एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस और आप लोग देख रहे हैं हमारी फिनलैंड की ट्रैवल सीरीज। और हम आज खड़े हैं हेलसिंकी में, जो कि है फिनलैंड का कैपिटल। हमारा ये ट्रिप अरेंज किया है जेई ट्रेवल्स ने और आज हम लोग करने वाले हैं हेलसिंकी का फूड टूर। वैसे आप सभी को पता होगा कि हम वेजिटेरियंस हैं और ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट होता है वेजिटेरियंस के लिए कुछ बाहर जाके खाना, और हेलसिंकी में हम फूड टूर करने वाले हैं। और ये भी इसलिए ही पॉसिबल हुआ है क्योंकि जेई ट्रैवल्स ने सब ढूंढ के रखा था कि कैसे कहाँ पे जाके आप खा सकते हैं। तो जाते हैं कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस पे और दिखाते हैं आपको हेलसिंकी के डिफरेंट कैफेज और रेस्टोरेंट्स। तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो एंड नाउ विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गो। भूख लग रहा है, लेट्स गो। As we told you, ये जो पूरा ट्रिप है ये प्लान्ड ट्रिप है, और ये प्लान किसने किया है? जेई ट्रैवल्स ने। और इसके पीछे जो फेस है वो है ये कपल। हेलो, आई एम सोम एंड आई एम सावनी एंड वी आर फ्रॉम जेई ट्रैवल्स एंड वी ब्रॉट देसी कपल ऑन द गो टू हेलसिंकी एंड रोवेनमी फॉर आवर विंटर वंडरलैंड ट्रिप। फूड टूर में हमारा फर्स्ट स्टॉप है एक फिनिश कैफे, जो इंडिया एंड इंडियन कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड है। ये प्लेस एक फिनिश कपल रन करता है एंड वो लोग बहुत साल इंडिया में स्पेंड करने के बाद अब हेलसिंकी में ये स्मॉल एंड ब्यूटीफुल कैफे रन करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। And you can see he's wearing Indian hat. Yeah, you're all very welcome to Finland and Helsinki. And to this cafe. And to the cafeteria to have Indian estate coffees. इस कैफे में जो कॉफी बीन्स यूज होती है वो इंडिया के फार्मर से डायरेक्ट एक्सपोर्ट की जाती है, एंड यहाँ डिफरेंट कॉफीज के साथ साथ मसाला चाय एंड यमीएस्ट एंड क्रिस्पीएस्ट पकौड़ा भी मिलता है। Not only that we have like excellent pakoras here and stuff like this, so we how the whole thing started here in our why we build up this cafe was because we were importing coffee from and still are importing coffee from Indian estates. So we buy directly from the farmers the coffees, and then we have our own roastery. And it's called Forest Roastery. It's in the east part of Finland, in a very forestry area, around 200 kilometers from here. So that's our roastery place, and we roast these coffees and. That's how we started the whole thing about it. It started from India, coffee, and then slowly grow up to be a cafeteria here. So aa chuke hai hamare pakore, aur this is the coffee and this is masala chai and Finnish cafe mein Indian chai and Indian coffee. Coffee isme acha masale ke flavor aa rahe hai. Let's taste the pakora and chutney hai इमली का साथ में, nice and crispy, very crispy. ऐसा लगे नहीं किसी फिनिश लोगों ने बनाया हो। ये कपल फिनलैंड में अपने इस कैफे के थ्रू सात्विक एंड वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करते हैं। इंडिया में रहने के वक्त दे बोथ वर इंस्पायर्ड बाय इंडियन वेजिटेरियन फूड हैबिट्स एंड नाउ इन दिस कैफे एवरीथिंग वाज वेजिटेरियन। इंडिया से दूर फिनलैंड में इन फिनिश कपल को ये कैफे इंडियन वैल्यूज से रन करते हुए एक्सपीरियंस करना बहुत ही अच्छा फीलिंग था। दिस वाज अ ग्रेट स्टार्ट टू आवर फूड टूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैफे में मसाला चाय पीने के बाद आ गए हम लोग डाउनटाउन में हेलसिंकी के, और यहाँ पर आए हैं हमारे सेकेंड प्लेस, और उस प्लेस का नाम है डम्पलिंग्स। इस डंपलिंग्स में क्या मिलने वाला है? Let's go in and see. Hello.
तो हम लोग अंदर आते हैं, बैठ गए थे और हमारा जो नेक्स्ट फूड है वो आ गया है. एंड हेयर आर डम्पलिंग्स, तो तीन अलग अलग टाइप के डम्पलिंग है. एंड ऑल थ्री आर वेजिटेरियन डम्पलिंग्स. और ये क्या है मेगा? एंड ये है लोटस के रूट्स. सो वी आर गोइंग टू ट्राई द थ्री डम्पलिंग्स एंड लोटस का रूट. लेट्स डाइव इन. सो आई एम ट्राइंग द फर्स्ट डम्पलिंग. And it's amazing. Sort of yours? I'm trying now. And ye bahut lambe time se hamari list mein tha. Haan. After watching Crash Landing, we are so much into dumpling. Very tasty. Bahut hi unique hai this stuff. Nice. Awesome Japanese dumpling khane ke baad jaane wale hain hum log एक और कैफे, और ये हेलसिंकी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफे है. व्हाट दिस कैफे इज कॉल्ड, वहां जाके बताते हैं. गए हम लोग हमारे थर्ड प्लेस, और ये एक कैफे है, और यहाँ बाहर बैठेंगे, आग जल रहा है, उस आग के पास बैठेंगे, और इस कैफे का नाम है कैफे रिकाटा. और यहाँ क्या पीने वाले हैं हम लोग? हॉट चॉकलेट विथ क्रीम ऑन टॉप ऑफ इट. तो चलते हैं और एक कोई अच्छी सी जगह लेते हैं और बैठ के मस्त हॉट चॉकलेट पीते हैं. लेट्स गो. आज इतना सब खा लिया है मैंने, इसके बाद मुझको जाके डबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. डोंट पड़ी, किरण और विरन है ना. हॉट चॉकलेट पी ली, बहुत बड़ा और बहुत ही टेस्टी था, और गर्म गर्म था तो सर्दी में अच्छा लग रहा था. वैसे ये आग है तो इसके साथ बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर, मगर और बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. बट अभी जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और वो होने वाला है क्रिसमस मार्केट. सो चलते हैं और देखते हैं हेलसिंकी का क्रिसमस मार्केट कैसा है. और अभी हमारा जो फूड टूर चल रहा है उसमें अभी हमारा मेन डिनर तो होना बाकी है. हाँ, पहले ऐसा लग रहा है कि पेट भर गया, तो थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा क्रिसमस मार्केट में ताकि हम लोग रेडी हो पाए डिनर के लिए. हम लोग हेलसिंकी के क्रिसमस मार्केट, और इस तरफ है पूरे हैंडीक्राफ्ट के शॉप, और जो पीछे देख रहे हैं वो है मैरी गो राउंड. तो पहले एक्सप्लोर करते हैं सारे हैंडीक्राफ्ट के शॉप, और फिर जाएंगे उस तरफ, और वहाँ पे है बहुत सारे ईटरीज, मतलब खाने के शॉप्स. तो पहले एक्सप्लोर करते हैं दिस एरिया. यस, एंड देन विल एक्सप्लोर दैट एरिया. अभी टाइम हो रहा है 6:15, ऐसा लग रहा है रात हो गई है इतनी, मगर सिर्फ 6:15 है. टेम्परेचर है शायद 1 डिग्री, और मैंने तो ग्लव्स पहने हुए हैं, ठंड लग रही है और बहुत ठंड है, बट 1 डिग्री है, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि माइनस में नहीं है टेम्परेचर, एटलीस्ट हेलसिंकी में. बट आगे आगे जैसे और ट्रिप बढ़ेगा ना, वैसे वैसे टेम्परेचर और डाउन होता जाएगा. बट नाउ इट्स द टाइम टू एक्सप्लोर क्रिसमस मार्केट. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it
it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. क्रिसमस मार्केट घूमने के बाद अब जा रहे हैं लास्ट प्लेस और वहाँ करेंगे हम लोग डिनर और वो एक जॉर्जियन रेस्टोरेंट है. सो लेट्स गो इन एंड सी व्हाट आर वी गोइंग टू ईट फॉर डिनर. बैठ गए हम लोग जॉर्जियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है रियोनी रियोनी और बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, एक अलग ही वाइब आ रही है. और नेदरलैंड्स में तो हमको अभी तक नहीं मिला है जॉर्जियन रेस्टोरेंट, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं. आपको पता है क्या इंडिया में जॉर्जियन रेस्टोरेंट है? अगर पता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में. बट हम फिनलैंड में आके हम लोग आज खाने वाले हैं जॉर्जियन फूड. तो बरखा जो दुबई में बहुत ट्राई करती है जॉर्जियन फूड, आज हम बताएंगे कि कैसा हमें मिलने वाला है फिनलैंड में ये फूड, ताकि इफ यू आर ट्रैवलिंग हियर यू कैन आल्सो ट्राई. तो जैसे बताया था बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी है और वो सब आ भी गई है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या है. बट अगर मैं नहीं बताऊँ पाऊँ तो फिर वी हैव सायोनी टू टेल अस कि क्या क्या चीज़ें हैं. सो अगर मैं गलत बता रही हूँ तो लेट मी नो. ये है ब्रेड विद बीन्स, बीन स्टब, एंड दिस इज ब्रेड विद चीज, एंड दिस इज चीज मशरूम, and this is rice with this is lobia, lobia and rice paste, so it's a beans dish. Okay, beans and those are starters. Yeah, that's called the pokhali. So the green one, the green one, the veggie rolls. So one is walnut, spinach and beetroot. Okay, and these are the famous Georgian dumplings. Okay, mushroom stuff. So, yeah, yeah, and these are two things authentic lemonades. So this is pear, and this is grape. So this is going to be our dinner for tonight. Can you imagine it? Itna sara hum log khane wale. But let's eat it. I can't wait. So we are starting with cheese bread, which is called kachi puri, and veggie rolls, which is pokhali. So this goes together. और उससे start करने वाले हैं. It's nice. ये veggie rolls. This Georgian dumpling. And आज अभी हमने पहले Japanese restaurant में खाए थे, अभी यहाँ खाते हैं. And थोड़ा different है ये. How is it? So you can see इसके अंदर liquid कुछ है but tasty है. Let me finish this now. Oh, it's काफी liquid है वो. What an amazing food tour. इतने सारे different type के cuisine. Georgian, Finnish और मसाला चाय. हम लोग इस होटल में अराउंड 2:30 पे आ गए थे और 3:30 से हम लोग ये फूड टूर कर रहे थे और अभी 11:30 हो गया है. 8 घंटे से हम लोग लगातार अलग अलग जगह पे जाके खा रहे हैं. इतने सारे चीज़ें हमने ट्राई की. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सोचा था कि फिनलैंड में इतना अलग अलग टाइप के कुजीन मिलेंगे और सब के सब एक से बढ़कर एक. हाँ, और वेजिटेरियंस को मिल रहे हैं. वेजिटेरियन आपने देखा कितने अलग अलग ऑप्शन हमने ट्राई किया आज. कॉस्ट हम लोगों ने एक का भी नहीं बताया क्योंकि हमने कुछ पे ही नहीं किया है. एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड बाय जेई ट्रैवल्स. तो हम लोगों का ये जो पूरा फिनलैंड का ट्रैवल है वो उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. उन्होंने सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हम सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और खा पी रहे हैं. आप लोग भी मिले होंगे वीडियो में सवामी एंड सोम से. So they are the face behind JE Travels, जो उनका description section में हम link भेज देंगे. तो अगर आप book करना चाहें तो आप link पर जाके check कर सकते हैं और आप हमारा reference भी दे सकते हैं. अब हम जाने वाले हैं
हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अभी तो सिर्फ ट्रिप स्टार्ट हुई है, तो हमारा आज ये हमारा हेलसिंकी में फर्स्ट डे था. कल हम लोग वापस जाएंगे एयरपोर्ट और करेंगे एक और फ्लाइट एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ इज कॉलिंग. नॉर्थ इज कॉलिंग अस. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए. और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम अमेजिंग स्टोरीज और पिक्चर्स और रील्स लगाते हैं, डेफिनेटली देखिएगा. दोनों का नाम लिख दिया है. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज अबाउट नॉर्थ ऑफ फिनलैंड. टिल देन बाय.